हेलो गाइस, मैं फाइनली आ चुका हूँ ये आईपैड मिनी 5 की 1 मंथ रिव्यू वीडियो लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस बात कर लेते हैं सबसे पहले यार इसकी प्राइस की। तो मैंने ये लिया था 34,900 का, जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था और कोई ऑफर सेल वगैरह नहीं चल रही थी तो मैंने इतने में ही ले लिया। तो 34,900 का पड़ा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ले लिया इसमें। तो गाइस बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस यार आपको इसमें बढ़िया मिलेगी, अभी तक तो मेरे को कोई लैग नहीं मिला इसमें। पबजी मोबाइल में खेलता हूँ तो इसमें अभी तक तो मेरे को कोई भी लैग नहीं मिला। मैं स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पर खेलता हूँ तो आप गेम प्ले भी देख ही रहे होंगे, तो मैं थोड़ा ठीक खेलने लग गया हूँ पहले से। तो बस यही है यार परफॉर्मेंस में, यार जैसे आप वीडियो वगैरह रेंडर करोगे तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं पहले पीसी में करता था वीडियो रेंडर वगैरह, तो उसके हिसाब से मेरे को बहुत फास्ट लगा, क्योंकि पीसी में जो करता था मैं उसमें लग जाता था यार आराम से 15-20 मिनट लग जाता था रेंडर करने कोई भी 5-6 मिनट की वीडियो को। तो इसमें ऐसे नहीं है यार, इसमें 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपका, आराम से बहुत जल्दी रेंडर हो जाता। और पबजी मोबाइल का आप इसमें ओपन होने का टाइम भी देख सकते हो, ये मैं वीडियो डाल दूँगा इसमें, तो 10 से 12 सेकंड लगता है और तुरंत ओपन हो जाता है। बाकी अगर ज़्यादा लगता है तो यार वो आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा, तो नेट सही होगा तो बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा, 11 सेकंड में ओपन हो जाता है पबजी मोबाइल आपका, तैयार हो जाता है खेलने के लिए। तो गाइज और बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। तो कैमरा यार इसका कुछ वैसा खास नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब नॉर्मल जैसे वीडियो कॉल वगैरह करनी होगी आपको उसके लिए उसके हिसाब से ठीक है। बाकी फ़ोटो वगैरह लेने के लिए उतना कुछ सही नहीं है, डे लाइट में सही आएगी फ़ोटो, वीडियो वगैरह भी सही आ जाती है। मैं आपको एक सैंपल वीडियो फ़ोटो ये सब दिखा दूंगा, इसमें वीडियो आप देख लेना। तो गाइस बात कर लेते हैं इसकी यार क्या बोलते हैं अब असली बात पबजी मोबाइल की। तो पबजी मोबाइल यार बहुत बढ़िया चलता है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये बेस्ट डिवाइस है पबजी मोबाइल के लिए। तो आपको बिना कुछ सोचे समझे ले लो, बस बहुत बढ़िया है डिवाइस, आपको कुछ पछताना नहीं पड़ेगा। और इसमें यार एक दिक्कत ये है, बस रिकॉर्डिंग में आती है दिक्कत, मेरे को आती है वो, वैसे भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो क्या है, वो जैसे रिकॉर्ड करते हैं तो फिर कभी कभी जो होता है ना इसका साउंड रिकॉर्ड होना बंद हो जाता है, तो आपको कोई दूसरा रिकॉर्डर अगर मिल जाए तो सही है। मेरा वैसे आजकल तो नहीं हो रहा है, पहले हो रहा था स्टार्टिंग में, अभी तो अपडेट किया मैंने तब से थोड़ा ठीक हो गया, पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया उतना, सही है मतलब। बाकी कुछ मैं इसकी गलती मतलब ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोलूँ, कुछ गलत तो है नहीं इसमें। बस गाइज यार, हाँ गाइज यार एक बात और बोलनी थी कि ये वीडियो थोड़ा लेट हो चुका है तो उसके लिए सॉरी यार। तो क्या करूँ भाई, थोड़ी दूसरी वीडियोस बना रहा था मैं, टेस्ट कर रहा था कि कैसी चलती है वो सब वीडियोस, फ़नी वीडियोस मैंने डाली है एक आधी, तो आप देख सकते हो pubg.exe की मेरे चैनल पे प्रीवियस वीडियो में जा कर के। तो बताना यार कमेंट में ज़रूर कि कैसी लगी वो वीडियो। तो और बाकी आप गेम प्ले भी देख सकते हो मेरा, थोड़ा पहले से ठीक ही हो गया है। और गाइज यार आपको मैं एक बात बता दूं कि मैंने अभी तक इसमें कवर कोई लगाया नहीं है, अभी मैंने बस एक स्क्रीन गार्ड लगवाया है, इसका भी मैं पता नहीं नाम भूल गया क्या नाम था, बढ़िया है वैसे, फाइबर का है ये स्क्रीन गार्ड, तो इससे मैंने बस कोई प्रोटेक्ट गिरने पे तो कुछ क्या ही होगा इसमें, तो गिरने पर तो फूटेगा ही गाइज, ऑब्वियस सी बात है कांच का है फूटेगा। तो मैंने लगाया है क्योंकि मेरे को इसमें फिंगर में थोड़ा स्क्रैच आ जाते हैं ना, फिंगर यूज़ करते हैं इस पर तो, और थोड़ा स्मूथ सा भी है इसमें, मतलब उंगलियां अच्छे से थोड़ी फिसलती है इस पर, तो खेलने में आपको पता होगा दिक्कत होती है बाकी अगर फिसलती नहीं उंगली तो। बाकी यार सही है सब कुछ इसमें, तो देख लो भाई अपने हिसाब से आप कवर लगा सकते हो, सेफ्टी के लिए तो उसे होना ही चाहिए, मैं भी लूँगा अभी कुछ टाइम बाद। बाकी कवर से थोड़ा क्या होता है ना कि ग्रिप अलग सी हो जाती है, थोड़ी मोटा हो जाता है थोड़ा डिवाइस, तो वैसे यार बहुत थिन है, बहुत स्लिम है, इतना पतला पता नहीं कैसे बना दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया डिवाइस है। और क्या ही बोलूँ भाई, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी।
तो गाइज यार आप इसे मिनी बीस्ट बोल सकते हो, मिनी बीस्ट बोलना कोई गलत नहीं होगा। तो और भाई मैंने यार इसमें कोई वो करके नहीं देखा, लाइव स्ट्रीम करके देखा नहीं है, तो मेरे को उसका ज़्यादा पता नहीं है, पर वीडियोस वगैरह देखी है मैंने, तो उसमें देखा है मैंने कि अच्छा परफॉर्म कर लेता है लाइव स्ट्रीम में भी है। तो आप अगर यूट्यूब के लिए लेना चाहो तो बहुत बढ़िया है आपके लिए भी। तो बाकी यार मोबाइल भी ले सकते हो आप, मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूँ मोबाइल के लिए, तो आप मोबाइल ले सकते हो अपने हिसाब से। आप वीडियोज़ वगैरह देख लेना कि कौन सा डिवाइस ज़्यादा बढ़िया होता है पबजी के लिए मोबाइल, तो वो आप ले सकते हो। बाकी मैंने आईपैड इसलिए लिया यार, मैं शुरू में ना एमुलेटर पे खेलता था, तो गाइज कुछ गलत मत समझना, पर मैं खेलता था एमुलेटर पे, मेरे पास वही था यार, कंप्यूटर था तो अच्छा डिवाइस था, किसी के पास भी होगा तो खेलेगा यार, थोड़ा मतलब चल जाता था अच्छा, तो क्या ही है वो ठीक ठाक चल जाता उसमें पबजी, तो मैं खेलता था यार उसमें, मोबाइल था नहीं मेरे पास ठीक, मोबाइल में चलता नहीं था, तो पीसी में मैं खेल लेता था सही चल जाता था। तो बाकी फिर बड़ी स्क्रीन की थोड़ी आदत हो गई थी मेरे को, तो मोबाइल में इसलिए मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने इसलिए सोचा थोड़ा बड़ा वो होना चाहिए ना बड़ी स्क्रीन का थोड़ा, तो मेरे को आदत नहीं थी छोटी स्क्रीन की, तो इसलिए मैंने ले लिया आईपैड। तो बस यार यही है मेरी स्टोरी, और बाकी रिव्यू भी आपने देख लिया होगा, आपको सही लगा होगा तो यार लाइक कर देना प्लीज़, और सब्सक्राइब कर देना, मैं इसमें नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ, हर दूसरे दिन लाता रहता हूँ। तो गाइज कभी कभी लेट भी हो जाता हूँ, बट लेट होता हूँ क्योंकि वीडियो कोई एडिट कर रहा होता हूँ तो उसकी वजह से। तो बाकी यार आप सब्सक्राइब करो, आपको कंटेंट मिलेगा अच्छा। थैंक यू गाइज़।